वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी 3.1 का पहला बजट पेश किया। उन्होंने बजट भाषण पढ़ते हुए बताया कि हम किसानों के खास तोहफा लेकर आए हैं। हमारी कोशिश है कि किसानों की आय लगातार बढ़े। इसके अलावा देश भी तमाम फैसलों के मामले में आत्मनिर्भर हो। उन्होंने कहा कि हम प्राकृतिक खेती को भी बढ़ावा देंगे। वित्त मंत्री ने कहा कि प्राकृतिक खेती पर सरकार खासकर जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि अगले एक साल में 2 करोड़ किसानों को इसलिए मदद दी जाएगी। मछली पालन, दलहन और तिलहन के लिए भी मिशन लाएंगे। फसलों के भंडार और विपणन को मजबूत करेंगे। वित्त मंत्री ने खेती किसानी के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपयों का भारी बजट आवंटित करने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर जोर देंगे और स्थानीय स्तर पर रोजगार के सृजन को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रमुख उपभोक्ता केंद्रों के पास ही बनाए जाएंगे सब्जी उत्पादन क्लस्टर। उन्होंने कहा कि उच्च पैदावार वाली फसलों को प्राथमिकता देंगे। इसके अलावा तेल उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाना है। वित्त मंत्री ने कहा कि हम सब्जी उत्पादन भंडार और सप्लाई चेन को मजबूत करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए 1.52 लाख करोड़ों का आवंटन किया जाएगा। इसके अलावा ऐसी तकनीक का इस्तेमाल करने पर जोर रहेगा कि मौसमी बदलावों से बेअसर रहते हुए भी फसल का उत्पादन किया जा सके। वित्त मंत्री का कहना था कि फसलों की 32 किस्में जारी की जाएंगी। 1 करोड़ किसानों के लिए नेचुरल फार्मिंग की योजना लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि अब हमारा फोकस इस पर रहेगा कि कैसे दलहन, तिलहन और मछली पालन के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश रहेगी कि ग्रामीण स्तर पर रोजगारों को भी सृजन हो। बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि सरकार संगठित क्षेत्रों में रोजगार पाने वाले लोगों के लिए पहले महीने की सैलरी देगी। कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को मदद दी जाएगी। इसके अलावा रोजगार के पहले 4 साल में ईपीएफओ में सरकार भी अंशदान करेगी। इसके तहत सरकार हर महीने 3,000 रुपयों की मदद नियोक्ता को देगी। कामकाजी महिला होस्टेज और शिशु गृहों का निर्माण किया जाएगा। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।